की कमी से जूझ रही कमलनाथ सरकार को अपना वचन पूरा करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। कांग्रेस ने वायदा किया था कि सरकार बनने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को रियायती दरों पर स्कूटी दी जाएगी, लेकिन नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बावजूद अब तक सरकार इस वचन को पूरा करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। स्कूल पास कर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को रियायती दरों में स्कूटी उपलब्ध कराने और आरटीओ से निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराने का अपने वायदे को पूरा करने में कांग्रेस सरकार को पसीने आ रहे हैं। दरअसल सामान्य तौर पर अगर 4-5% दर पर ब्याज में रियायती देने पर सरकार पर 200-250 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग अब इस बात को लेकर विचार कर रहा है कि आखिर ये सब्सिडी कितनी दी जाए, जिससे फंड की कमी ना हो और सरकार का वचन भी पूरा हो जाए। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि ये बावले हो चुके हैं। इनका जो है सरकार जाने से बीमारी की हालत में है। हमने 5 साल के लिए अपना वचन पत्र दिया है और जिस हालात में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को श्रीमान जो शिवराज जी छोड़कर गए हैं, उस अवस्था से निकालने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई चीज़ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी प्रायोरिटी थी कि हम किसानों का ऋण माफ़ करें, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्रायोरिटियां हैं, तीसरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्रायोरिटियां हैं, लेकिन जो वचन हमने दिए हैं अक्षरशः उनका पालन होगा। हम बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की तरह धोखा नहीं करेंगे कि 15 साल पहले वादा किया था कि 50,000 किसान का ऋण माफ़ करेंगे और आज उसकी चर्चा भी नहीं करते। पहले तो जो है किसानों की चर्चा करने के पहले शिवराज सिंह से किसानों को पूछना चाहिए कि तुमने कहा था कि 50,000 का कर्जा माफ़ करेंगे किसान का, तो आप 15 साल क्यों सोते रहे? वो छैया छैया करते रहे, पेड़ों के नीचे सो सो के किसानों को उल्लू बनाते रहे। ये बात सामने आनी चाहिए। ये बात है तो क्या बीजेपी ने नहीं किया था? वचन पत्र में किया था तो आप उनने अपने घोषणा पत्र में किया, उसका तो जवाब दें पहले, फिर दूसरों पर प्रश्न खड़े करें। हमने तो जो हमसे बन रहा हम कर ही रहे हैं और उनसे बेहतर कर रहे हैं, ये जनता महसूस करती है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन जनता से किए गए वादे तब सरकार पूरी करेगी जब सरकार को अपने मंत्रियों की जेबें भरने से फुर्सत मिले। देखिए कमलनाथ सरकार को शिवराज सिंह जी के फैसले बदलने की बहुत जल्दी थी और जल्दबाजी में उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले, चाहे वो शादी के लिए 25,000 से 51,000 रुपये करने की बात हो या स्मार्टफोन को स्कूटी में बदलने की बात है, बहुत जल्दी फैसले ले लिए थे। लेकिन अब जब धरातल पर वो काम कर रहे हैं तो उनको अपनी असलियत और अपनी औकात का एहसास हो रहा है। सरकार को इस बात को बहुत साफ समझ लेना चाहिए था कि जो वादा नहीं निभा सको उसको करना ही नहीं चाहिए था, और आज कम से कम ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों करना चाहिए था जब बच्चियों को हम लोग साइकिल देते थे, युवाओं को स्मार्टफोन देते थे, उन सबको आप बंद करके स्कूटी की बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, लेकिन स्कूटी की कोई कंपनी आपको मिली नहीं होगी जिसमें भ्रष्टाचार का खेल आप रच पाते, इसलिए आपने सारे फैसले पीछे हट गए, आप नहीं दे पा रहे और आपके लिए आपको इसके लिए कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश की बालिकाओं से माफी मांगना चाहिए। दरअसल किसानों को किए गए कर्ज माफी के अपने वायदे को पूरा करने में कमलनाथ सरकार का बड़ा बजट उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में दूसरे विभागों और घोषणाओं को पूरा करने में वित्त विभाग को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष को जहां सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है, वहीं आम जनता में भी नाराजगी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।